हाउस, पांचवा हाउस, पांचवे हाउस का कारक प्लैनेट मंगल, पांचवे हाउस का कारक प्लैनेट मंगल, मंगल की विशेषता है, मंगल की सबसे बड़ी विशेषता मंगल की क्या है? ऊर्जा, मंगल सर इसमें ऊर्जावान है। यहाँ तो, सर यहाँ तो अच्छा ओके, ठीक मम्मी थोड़ा धीरे बोल रहे हो, सो है रहा है ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी। जी। मंगल की सबसे बड़ी विशेषता ऊर्जा, एनर्जी, एनर्जी, एंथुसियाज्म, एंथुसियास्ट, ठीक है, एंथुसियाज्म, मन का सुख, शांति, सकारात्मक, पीस, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रकार की ऊर्जा इसमें आती है, मतलब पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी, सकारात्मक नकारात्मक, मतलब क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिविस्ट। दोनों ही प्रकार की, क्योंकि मंगल एक ऊर्जा है जो दोनों प्रकार की ऊर्जा देता है, सकारात्मक नकारात्मक, साहस, करेज, अचानक परिवर्तन, एक सडन सडन इम्पैक्ट, कुछ भी, एनीथिंग सडन, वेरी सडन इम्पैक्ट, या अचानक से दुर्घटना होना, अचानक से कोई विपत्ति आ जाना, इसी प्रकार से अचानक से धन आना, धन का लाभ होना, सडन सडन गेन, सडन लॉस, सडन एक्सीडेंट, सडन वाद विवाद, सडन झगड़ा, सडन इंसिडेंट्स, न्याय, जज, न्याय मतलब क्या बोलेंगे, न्याय, जस्टिस, 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 एज, आयु, इंजीनियरिंग फील्ड, इंजीनियरिंग फील्ड, इंजीनियरिंग मेडिकल दोनों, क्योंकि सर्जन और इंजीनियर, इंजीनियर वाले इंजीनियर जो हार्डकोर इंजीनियर होते हैं, कंप्यूटर साइंस वाले रॉ में चले जाएंगे, जो हार्डकोर वाला है, जो मैकेनिकल इंजीनियर हार्डकोर है, सिविल इंजीनियर हार्डकोर इंजीनियर है, इस टाइप का इंजीनियर, सर्जन, चीट फाड़, या डेंटिस्ट, इस टाइप का डॉक्टर, इस टाइप के जो जो जिनको मेहनत मशक्कत करनी होती है वो वाले, या ऑर्थोपेडिक, मेहनत मशक्कत वाले, जहां पे दम लगाना पड़ता है। असाध्य रोग, या मतलब असाध्य रोग मतलब इनक्यूरेबल डिजीज, ये सब सब मंगल को रिलेट करते हैं, सुनाई नहीं दिया अभी, इनक्यूरेबल ऑर्थोपेडिक सर्जन डिजीज, के बाद में इनक्योरेबल डिसीज। इनक्यूरेबल डिजीज। मंगल के मित्र सूर्य, चंद्रमा, गुरु, केतु, मंगल के मित्रों की श्रेणी में आते हैं, सूर्य, चंद्रमा, गुरु, केतु मंगल के मित्र की श्रेणी में आते हैं, राहु और बुध मंगल के शत्रु की श्रेणी में आते हैं, और शनि, शुक्र, सम की श्रेणी में आता है, शनि और शुक्र सम की श्रेणी में आते हैं मंगल के, ठीक है। Thank you.